लेकिन कयामत के दिन एक ऐसा भी वक्त आएगा, एक ऐसा भी वक्त आएगा जहां बाप बेटे गुजरेंगे लेकिन बाप एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी, बेटा मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं होगा, उसकी बीवी दूर भागेगी, नफसी नफसी का आलम होगा, लेकिन वहां कौन बख्शिश कराएगा, कौन बख्शिश कराएगा। मैं एक अभी ऐसी हदीस पेश करने जा रहा हूं ना कि ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, मुझे चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन हदीस है, इसको नोट कर लेना कि आदि कौन बख्शिश कराएंगे क़यामत के दिन। ऐ मुसलमानों, बगैर समाअत कीजिए, जरा बोल दो सुभान अल्लाह, और मचा के बोल, हदीस नोट कीजिए, जिसको लिखना हो तो हवाला नोट कीजिए, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया सफा नंबर 470 में यह हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 बाब इल्बाबी शफाअत सफा नंबर 111 में यह हदीस मौजूद है, तिर्मिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 बाब माजा फिश शफाअत सफा नंबर 66 में यह हदीस मौजूद है, इन तीनों किताबों में यह हदीस मौजूद है। ऐ मुसलमानों, बुखारी शरीफ दुनिया में, मुस्लिम शरीफ दुनिया में, ये दोनों ऐसी किताब है कि कुरान के बाद इन दोनों किताबों का मर्तबा है, किताबों का मर्तबा है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहमत अमजदी जिसके पास बुखारी शरीफ पड़ी है ना, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़े आलिम है। मुस्तफा, कोई ऐसे आलिम दीन नहीं है जो उनके पास नहीं पड़े हैं। मुफ्ती तुफैल अलैहिर रहमत भी उन्हीं के पास पड़े थे और मैं भी उन्हीं के पास बुखारी शरीफ पढ़ा हूं। वही हदीस मैं पेश कर रहा हूं, मैं जो मैंने याद रखी है, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हदीस समाप्त कीजिए, अन अबी हुरैरा قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الزرع وكان خروج له فناس منا ناسا وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد فيسلم الناس ويسمع यही तो समझ लीजिए। ऐ मुसलमानों, कयामत के दिन जहां बेटे काम नहीं आएंगे, अल्लाह अकबर, जहां बाप काम नहीं आएंगे तो फिर वहां कौन काम आएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। बगैर समाअत कीजिए, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं उर्दू में पेश कर दे रहा हूँ, ऐ मुसलमानों, बगैर समाअत कीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि हम एक दावत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे और इसी दरमियान आपके सामने बकरी का गोश्त पेश किया गया, आपने बकरी का गोश्त खाया, यानी हमारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बकरी का गोश्त खाने लगे और इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे मुसलमानों, सुनो सुनो, कयामत का दिन, कयामत के दिन मैं तमाम लोगों का, दुनिया तमाम लोगों का मैं सरदार हूँ। इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, सुनो सुनो, कयामत के दिन सूरज नीचे आ जाएगा, किसी का पसीना कमर तक आ जाएगा, किसी का पसीना छाती तक आ जाएगा, किसी का पसीना ऊपर तक चला जाएगा, कुर्सी पानी में बहेगा,
करेगा और सोचेगा कि कौन इस मुसीबत से हमें निजात दिलाए, कौन इस मुसीबत से हमें जन्नत दिलाएंगे। सब सोचेंगे वहाँ बाप काम नहीं आएंगे, वहाँ बेटा काम नहीं आएगा, वहाँ बीवी काम नहीं आएगी, वहाँ कोई काम नहीं आएगा, अभी कौन काम आएगा। सब लोग एक मशवरा करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में यह बात तय होगी, उस मीटिंग में यह बात तय होगी कि सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, उनके पास चला जाना चाहिए। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आने के बाद अर्ज करेंगे, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ऐ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबसे पहले आपको बनाया, आपको जन्नत में रखा। ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया। ऐ आदम, हम लोगों की बख्शिश कराइए, हम लोग मुसीबत में है, हम लोग परेशान हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानो, ऐ दुनिया के लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक पेड़ से मना फरमाया था, जन्नत में एक पेड़ के पास जाने से मुझे मना फरमाया था, मैं उसके पास चला गया और उसका फल खा लिया, मुझसे लग्जिश वाके हो गई, मुझसे खता लग्जिश वाके हो गई, लिहाजा आज मुझे अपनी जान की पड़ी है, आज अपनी जान की पड़ी है, इसलिए कि अल्लाह तआला को तआला ने ऐसा कदम व जलाल फरमाया है कि ना इससे पहले फरमाया था इसलिए आदमी कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास सब जाएंगे। दुनिया के जितने लोग हैं, आज हम लोग यहाँ है, कोई हमारे गांव में है, कोई अरब में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, जितने लोग दुनिया में मौजूद है सब लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे वहां। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ लोगो, आज अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा गज़ब व जलाल फरमाया है कि आज मुझे अपनी जान की पड़ी है, आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा तुम लोग किसी और के पास चले जाओ। इज़हबू इला गैरी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। सब लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, ऐ नूह, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का पैगंबर बना बनाया, आप पैगंबर है, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप हम लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग किस मुसीबत में है, इस हाल में है, हम लोगों की बख्शिश करा करके आप जन्नत दिलाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ लोगो, आज अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा गज़ब व जलाल फरमाया है कि मुझे आज अपनी जान की पड़ी है, मुझे आप आज अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा तुम लोग किसी और के पास चले जाओ। सुभान अल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी बख्शिश देकर आएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी बख्शिश नहीं कराएंगे, किसी और के पास भेजेंगे, किसी और के पास चले जाओ। ए मुसलमानो, जरा बोल दो, सुभान अल्लाह, हो जाएगा, जरा वो लोग भी बोल दे उधर से, सुभान अल्लाह, गुफ्तगू में ना रहे, मेरी बातों को बगौर समाप्त कीजिए। ए बजबारी के मुसलमानों, आज मैं अपना वक्त निकाल करके आपके गांव में तकरीर करने के लिए आया, वरना दूसरी जगह में प्रोग्राम में चला जाता, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं यहाँ आ गया। ऐ मुसलमान, उस दिन कौन कौन बख्शिश कराएगा, बगौर समाप्त कर लीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास सब जाएंगे तो वो भी यही फरमाएंगे, किसी और के पास चले जाओ। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास भेजेंगे, सब लोग हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, दुनिया
दुनिया के तमाम लोग उस वक्त मौजूद होंगे, चाहे कोई कौन हो, हर आदमी उस वक्त मौजूद होगा। सब लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, हे अल्लाह के खलील, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दोस्त बनाया और आपका बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। तवज्जो चाहता हूं, जरा बोल दो सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सब लोग अर्ज करेंगे, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपका इम्तिहान दुनिया में लिया था, ले लिया था। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दुनिया में आपको अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए कहा था, तो आपने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, आप तैयार हो गए थे और कुर्बानी करने के लिए भी चले गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल की जगह पर एक धूमा जगह कर दिया और कयामत तक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए ये सुन्नत दुनिया के तमाम लोग जाकर अर्ज करेंगे, दुनिया के तमाम लोग जाकर अर्ज करेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब लोगों ने, जब कुफारों ने आपको आग में डाला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए आग को गुलजार बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। किस तरह जाकर सब तारीफ करेंगे, सब तारीफ करेंगे, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के खलील है, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कयामत का दिन है, आज देख रहे हैं हम लोग किस परेशान में है, किस मुसीबत में है, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम लोगों की बख्शिश करा करके जन्नत दिलाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ए लोगो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा गज़ब जलाल है, ना आज के पहले इस तरह जलाल फरमाया था, ना आज के बाद जलाल फरमाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, तुम लोग किसी और के पास चले जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत पर एक बार लगा दो, बेशक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, हुस्नत आला हजरत जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सुभान इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा अज़ब व जलाल फरमाया है कि आज मैं बख्शिश नहीं करा सकता। कयामत का मंजर बहुत भयानक मंजर होगा। ए लोगों, मैं ये हदीस इसलिए सुना रहा हूं ताकि मुसलमानों को समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेशक क्या कर रहे हैं, समझ में आए कि दुनिया चंद दिनों की जिंदगी है, यहाँ की जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है, इसकी फिक्र ज्यादा मत कीजिए, इसकी फिक्र ज्यादा मत करो। ए मुसलमानों, जरा सुनिए वो हदीस जो मैं पेश कर रहा हूँ। सब लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी फरमाएंगे किसी और के पास चले जाओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाओ, इस्लाम के पास। सब लोग आएंगे, दुनिया के तमाम लोग आएंगे और अर्ज करेंगे, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आप अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, अल्लाह तबारक व तआला से आप रोजाना बात करते थे। सब लोग हक है वहाँ तारीफ करेंगे ताकि बख्शिश करा करके हम लोगों को जन्नत दिलाए, बेशक वहाँ करके अर्ज करेंगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, कलीम का माना होता है बात करने वाला है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के कलीम है, इसलिए आपको ये पावर हासिल होगा कि आप देख रहे हैं हम लोग किस मुसीबत में है, हम लोग किस परेशान में है, सूरज नीचे आ चुका है, किसी का पसीना यहाँ तक है, किसी का पसीना यहाँ तक है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हम लोग परेशान
نے ہمیں وہ جنت دلائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے دنیا کے لوگ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا غضب و جلال فرمائے نہ اس سے پہلے کبھی غضب فرمایا تھا نہ آج کے بعد اس طرح غضب و جلال فرمائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری کسی اور کے پاس چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کرائیں گے بخشش اللہ ہو رہا بولو سبحان اللہ کون بخشش کرائیں گے کون بخشش کرائیں گے مسلمانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری موسیٰ علیہ السلام سے تمام لوگ عرض کریں گے اے موسیٰ آپ کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آخر کون بخشش کرائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ یہ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے لوگو اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کی بہت پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بن باپ کے دنیا میں بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے اللہ کی قدرت دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے نہیں بولو تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نہیں تھے ذرا اٹھا کے بولو نہیں تھے آپ سمجھ میں آ گئی سب جا کر تعریف کریں گے حضرت عیسیٰ کی اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس مصیبت میں ہیں اس پریشان میں ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کی بخشش کرا کر کے آپ جنت دلائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایسا غضب و جلال فرمایا ہے آج میں بخشش نہیں کرا سکتا مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے مجھے تو اپنی فکر ہے اے لوگو تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ سبحان اللہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کسی اور کے پاس جاؤ اور کے پاس جاؤ اے مسلمانوں دیکھ رہے ہیں نا کیسا منظر ہوگا قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں نا تو بتائیے کون بخشش کرائیں گے بغور سماعت کرے سب لوگ عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آخر ہم لوگوں کی کون بخشش کرائیں گے سبحان اللہ بے شک بنگلہ زبان تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا اردو زبان نہیں سمجھتے میں تو عربی انگلش اردو بیان کرتا ہوں بنگلہ نہیں بیان کرتا اس لیے کہ عربی زبان پیاری زبان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اس لیے جو نہیں سمجھتا ہے وہ اس کی کمی ہے یہ رحمت امجدی کی کمی نہیں ہے کمی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ فرمایا ہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے بے شک سبحان اللہ علم دین آپ نے کیوں نہیں سیکھا علم دین کیوں نہیں حاصل کیا ارے دنیاوی تعلیم حاصل کیے تو کوئی بات نہیں حاصل کرنا جائز تو ہے لیکن یہ فرض ہے فرض چھوڑنے والا کیا ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے اس لیے علم دین حاصل کر لینا چاہیے مسلمانوں سمجھتے ہیں آپ لوگ اس لیے یہ جو نہیں سمجھنے کی وجہ ہے یہ جہالت ہے جہالت اور کچھ نہیں بنگلہ اور انگلش تو پڑھائی کی میں نے بھی پڑھائی کی ہے ایسا نہیں کہ ہندی اور انگلش پڑھائی نہیں کی میں نے بھی رہ کر کے بہت دور تک پڑھائی کی ہے لیکن میں نے عربی پڑھائی کو نہیں چھوڑی اس لیے کہ یہ ایسی تعلیم ہے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ رحمت امجدی جنت میں جائے گا بے شک سبحان اللہ ایسی تعلیم ہے اور انشاءاللہ اگر یہ جنتی عالم دین ہے تو جتنوں کو چاہے جنت میں لے جا سکتا ہے لیکن ہمارے نبی کے اختیار دینے کے بعد
लेकिन उस वक्त जो हम बातें बयान कर रहे हैं, उस वक्त तो सब नफसी नफसी का आलम होगा। जरा बोल दो मचल के, उधर वाले तो खामोश बैठे हुए हैं, जरा वो लोग भी बोल दे सुभान अल्लाह। अब आगे बोले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मजमा बड़ा शानदार है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे और अर्ज करेंगे, ऐ ईसा, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के दुनिया में भेजा। ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, हम लोग इस मुसीबत में है, इस परेशान में है, हम लोगों की बख्शिश करा करके अब जन्नत दिलाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ लोगों, मुझे अपनी जान की पड़ी है, लिहाजा तुम किसी और के पास चले जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईसा अलैहिस्सलाम से सब लोग अर्ज करेंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, किसी और के पास चले जाओ। तो सब लोग अर्ज करेंगे, ईसा, अभी किसके पास हम लोग जाएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर फरमाइशा फरमाएंगे, ऐ दुनिया के लोगों, तुम लोग जाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। जैसे ही सब लोग हमारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम को सुनेंगे, तो मचल जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तुम नजर में सरकार आ जाएंगे, सबकी जुबान पर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम आ जाएगा, सब मचल उठेंगे और सबकी जुबान पर नबी की नात होगी, सब नबी की तरफ दौड़ेंगे और आएंगे, और आने के बाद अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ महबूब, ऐ अल्लाह के जलील रसूल, ऐ तमाम नबियों के सरदार, सुभान अल्लाह, तमाम लोग आखिर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, ऐ नबी, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पावर दिया है। सब लोग अर्ज करेंगे, जाने के बाद सबसे पहले सलाम पेश करेंगे, तमाम लोग उस वक्त सलाम पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह। कुछ लोग सलाम देने से हमारे नबी को चीरते हैं, आज कह रहे हैं कि खड़े खड़े होकर सलाम पढ़ना ये जायज नहीं है, कहते हैं ना सुन्नी मुसलमान तो खड़े होकर सलातो सलाम पेश करते हैं, जी जी बेशक, और देवबंदी और वहाबी नहीं, वो लोग कहते हैं कि नहीं है, देवबंदी और वहाबियों, ये रहमत अमजदी हदीस की रोशनी में पेश कर रहा है, अगर कोई हवाला गलत कर दो तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, वहां क्या करोगे? ऐ मुसलमान, ऐ भटपारी के मुसलमान, बगैर समाप्त कीजिए, वहां सब लोग जाकर सलाम पेश करेंगे। अब आला हजरत का इश्क देखो, आला हजरत इश्क नबी में काश माशर में जल उनकी आमद और भेजे सब की शौकत पे लाखो सलाम, भेजे सब की शौकत पे लाखो सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आला हजरत,
حضرت علامہ مولانا کلیم اشرف صاحب زندہ باد حضرت علامہ مولانا کلیم اشرف صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ رسالت زندہ باد آپ لوگ بیٹھ جائیے یہ جناب دراز الدین صاحب نے 500 روپیہ دیا ہے مسجد کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے اور اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا سیدنا و مولانا محمد باری کو سلیم صلو علیہ الصلات و السلام علیکم یا رسول اللہ صلوات و سلام علیکم یا حبیب اللہ حضرت تشریف لائے اور حضرت کے چہرے کی زیارت کیجیے اور یہ رحمت امجدی 5 منٹ کے اندر اپنی باتیں ختم کر دے گا اس لیے کہ حضرت آ چکے ہیں انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا لیکن 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں بغور اور سماعت کریں تو اے مسلمانوں اس وقت سب لوگ ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کی مدد کیجئے ہم لوگ کس پریشان میں ہیں کیسی مصیبت میں ہیں ہم لوگوں کی مدد کیجئے تو اعلیٰ حضرت کے شعر کو تو آپ نے سن لیا کہ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ نعرہ تمام لوگ جا کر سلام پیش کریں گے ہمارے نبی فرمائیں گے اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کام کے لیے تو میں ہی ہوں جب کوئی مقصد نہیں کرایا تو کون کرا رہے تو وہ کون کرا رہے ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اے مسلمان ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے لوگوں اس کام کے لیے تو میں ہی ہوں ہمارے آقا عرش کے نیچے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب سجدہ سے سر کو اٹھائے اور جو تم مانگو گے میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں یہ دیکھیے کرم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھا آپ نے یہ رحمت امجدی پیغام دے رہا ہے کہ جہاں باپ کام نہیں آئے جہاں بیٹا کام نہیں آیا جہاں بیوی دم توڑ دی جہاں کوئی کام نہیں آیا وہ کون کام آیا تو کہنا پڑے گا ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام آئے مسلمانو اس لیے اللہ کے نبی پر درود بھیجو ہمارے نبی کی عظمت کو سمجھو میں ایسا ہوں کہ میں پھانکنے والی یا زیادہ دیر کی گفتگو نہیں کرتا ہوں لیکن گھنٹے بھر بات کرتا ہوں تو صرف حدیث و قرآن کی روشنی میں کرتا ہوں سبحان اللہ اس لیے میں نے جتنی باتیں بیان کی اس پر اگر عمل کر لیے تو انشاءاللہ قیامت کے دن کامیابی ضرور ملے گی سبحان اللہ اے مسلمانوں وہ کون بخش کرائیں گے تو کہنا پڑے گا جہاں باپ کام نہیں آئے سبحان اللہ جہاں بیٹا کام نہیں آیا جہاں بیوی کام نہیں آئی جہاں کوئی کام نہیں آیا وہاں کون کام آیا تو کہنا پڑے گا ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفی
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काम आए कहेंगे ऐ लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे नबी उस वक्त उन लोगों की बख्शिश कराएंगे जो लोग इस दुनिया में हमारे नबी को मानते हैं। कहां जाएगा उस वक्त जो नहीं मानता है नबी को? जरा बोलो बोलो ताजा करो, ये समझने का वक्त है। इस हदीस को अगर दिल में बैठा लिए ना तो ईमान ताजा हो जाएगा। देखा आपने, जहाँ कोई काम नहीं आए वो हमारे नबी बख्शिश करा करके जन्नत दिलाएंगे, लेकिन किन लोगों की जन्नत दिलाएंगे? तो सुनो सुनो, तो इस दुनिया में हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, दिल से भी पढ़ते हैं और जान दिल से भी पढ़ते हैं, यहाँ तक के अपनी जान से भी ज्यादा हमारे नबी को मानते हैं। हमारे नबी को मानते हैं ज्यादा, यहाँ तक अपने बेटे से भी ज्यादा मानते हैं। हमारे नबी ने फरमाया जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे वो सच्चा पक्का मुसलमान है। ऐ बजबारी के मुसलमानों, बगौर से समाप्त कीजिए, बगौर समाप्त कीजिए। आगे सच्चा मुसलमान कौन है, पक्का मुसलमान कौन है? मुसलमान तो बहुत करते हैं, हम लोग मुसलमान है जी जी, बहुत कहते गोश्त खाते हैं, तो क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? नहीं नहीं, देखिए आगे कौन है, बगौर समाप्त कीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, इस हदीस पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ। बगौर समाप्त कीजिए, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व नास अजमईन। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, कोई आदमी सच्चा पक्का कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मुझसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। अपने बेटे से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, अपनी बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत करे, यहाँ तक के दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करे। हमारे नबी फरमाते हैं यहाँ तक के अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आया, अपनी जान देना पड़े तो जान देनी पड़े तो जान दे देना। अगर मजहब इस्लाम पर कोई हमला करने की कोशिश करेगा ना तो समझ लेना उसकी खैरियत नहीं होगी, चाहे हुकूमत में हो चाहे कहीं हो, डंके की चोटी में रहमत अमजदी बोल रहा है, ये मगर इस्लाम है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानो, अपनी जान से भी ज्यादा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत करे, वही पक्का सच्चा मुसलमान है। तो उसी की बख्शिश कराएंगे, कयामत के दिन उन लोगों को जन्नत मिलेगी और जो लोग नबी की शफाअत से मुनकिर है, नहीं मानते हैं, वो लोग का उन लोगों का हाल कयामत के दिन क्या होगा खुदा जाने। सुभान अल्लाह, बेशक शेर को मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ। समझ में आ गई बातें? इसलिए मुसलमानों, नबी पर दुरूद बोल भेजो, दुरूद पाक भेजना तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक की वजह से कामयाबी मिलेगी। इस शेर को मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये रहमत अमजदी कल यहाँ आएगा, इंशाअल्लाह ऐसी बातें बयान करूंगा कि आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा। इंशाअल्लाह रहमत अमजदी जो मौजू बनाता है तो मौजू खुद से बनाने की कोशिश करता है। मैंने एक किताब लिखी है, उलमा की सियासत कौम के लिए कितनी मुफीद,
हुकूमत पर मैंने हमला किया है। उस किताब को अगर किसी को लेनी है तो इंशाअल्लाह कल मैं वो किताब आपके सामने हाजिर कर दूंगा। इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जाना, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जाना, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जाना, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जा, करे पे सर पे बेदर को खबर ना हो, करे पे सर पे बेदर को खबर ना हो, गुजरा करे पे सर पे बेदर को खबर ना हो। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان الله سبحان الله بہت تو بہت سبحان الله سبحان الله یہ تھے دھماکہ خیز مقریب جو بہترین انداز سے حدیث و قرآن کی باتیں